हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अब आप नई कक्षा में आ गए हो, है ना? आप लोगों ने कक्षा दूसरी पास कर ली है और आप कक्षा तीसरी में आ गए हो, मतलब आपने सेकंड को पासवर्ड पास हो गए हो और अब आप थर्ड क्लास में आ गए हो, है ना? मैं आपकी नई हिंदी टीचर पल्लवी जोशी। निकालिए आपकी बुक नव भारती। हम पढ़ेंगे आज कविता एक, उठो लाल। कौन सी कविता पढ़ेंगे? उठो लाल। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। माँ अपने बेटे से कहती है उठो लाल। उठो लाल मतलब उठो मेरे बच्चे, उठो मेरे बेटे, आंखें खोलो और मैं पानी लाई हूँ तुम मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले। बीती रात ने जो पिछली रात थी, जो पिछली रात्रि थी, उसमें कमल दल, कमल दल ने कमल के समूह के फूल खिले हैं। उनके ऊपर भंवरे झूले हैं। उनके ऊपर कौन झूले हैं? भंवरे। पिछली रात कमल के फूल खिल गए हैं और उनके ऊपर भंवरे झूल गए हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, मतलब सुबह हो गई है, रात्रि के बाद अब सुबह हो गई है और चिड़ियाएं भी चहक उठी है पेड़ों पर, वृक्षों पर, और ठंडी ठंडी हवा अति सुंदर बह रही है। कैसी बह रही है? सुंदर सी हवा बह रही है। नमे न्यारी लाली छाई। नमे ने आसमान, आकाश, उसमें न्यारी ने बहुत ही सुंदर, लाली ने लालिमा छाई है। धरती ने प्यारी छवि पाई है और धरती ने बहुत सुंदरी शोभा पाई है, मतलब रात का अंधेरा हट गया है, सुबह का सूरज उग चुका है और सब दूर उजाला हो गया है। माँ अपने बच्चे को बता रही है कि अब आप भी उठो और मुंह धोकर देखो बाहर का जो वातावरण है, जो बाहर का है, वो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे, अब मत सो। माँ कह रही है कि भोर हुआ सूरज उगाया, मतलब सुबह हुई है और सूरज उग गया है, जल में सुनहरी छाया पड़ी है, मतलब जल में सूर्य की सुनहरी छाया पड़ी है, छाया दिखाई दे रही है। ऐसा सुंदर समय न खो। माँ अपने बेटे से कह रही है कि बेटा ऐसा सुंदर समय तुम मत खो, मेरे प्यारे अब मत सो, अब मत सो और उठो, इतना सुंदर सवेरा आप देखो। यह कविता अयोध्या सी उपाध्याय हरि ओत द्वारा लिखी गई है। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? अयोध्या सी उपाध्याय हरि ओत द्वारा लिखी गई है और इसमें संदेश दिया है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। बच्चों, आपको ये कविता पढ़ना है और इसके जो कठिन शब्द आए हैं, जैसे भोर, सुनहरी, छवि, लाली, सुंदर, इन कठिन शब्दों को आपको अपनी रफ कॉपी में लिखना है और इस कविता की आठ पंक्तियाँ, इस कविता की आठ पंक्तियाँ आपको याद करना है। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ: सुंदर, खूबसूरत, भोर, सुबह, लाल, पुत्र, भंवरे, भंवरे, लाली, लालिमा, सुनहरी, सोने के रंग की, दल, समूह, छवि, शोभा, नभ, आसमान। बच्चों, आपको ये शब्दार्थ भी याद करना है और इसको अपनी फायर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।